हरियाणा भाजपा प्रमुख नायब सिंह सैनी द्वारा राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने के 11 दिन बाद देर रात मंत्रियों में नए सिरे से विभागों का बंटवारा हो ही गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग और आबकारी और कराधान विभाग सहित 13 महकमे अपने पास रखे हैं। खट्टर सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री रहे जेपी दलाल नए वित्त मंत्री बन गए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुज्जर, डॉक्टर बनवारी लाल और डॉक्टर कमल गुप्ता को नई सरकार में और पावरफुल किया गया है, जबकि बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के विभागों में बदलाव नहीं किया गया है। राज्य मंत्रियों सीमा तिरखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय यादव, सुभाष सुधा, विशंभर वाल्मीकि और संजय सिंह को अहम विभाग सौंपे गए हैं। हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही नायब सिंह सैनी ने आखिरकार अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। नायब ने अनिल विज का गृह विभाग, दुष्यंत चौटाला के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान और मूलचंद शर्मा के खान एवं भू विज्ञान समेत कई विभाग, सबसे ज्यादा 13 विभाग अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर को 6, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल और कमल गुप्ता को 4-4, डॉक्टर बनवारी लाल को 3, रणजीत सिंह चौटाला को 2 विभाग दिए गए हैं। पहले कंवरपाल के पास 6, मूलचंद के पास 5, जबकि जेपी के पास 4, कमल गुप्ता के पास 2 और बनवारी लाल के पास 1 विभाग था, यानी बनवारी कमल गुप्ता का कद बढ़ाया गया है। सभी मंत्रियों को कम से कम एक प्रमुख विभाग जरूर दिया गया है। अधिकतर विभागों के मंत्री बदले गए हैं। जेपी को वित्त, कंवरपाल को कृषि, मूलचंद को उद्योग एवं वाणिज्य, कमल गुप्ता को स्वास्थ्य, बनवारी लाल को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। रणजीत सिंह चौटाला को पहले की तरह बिजली व जेल विभाग मिला है। वहीं राज्य मंत्रियों को 2-2 विभाग भी दिए गए हैं। टीचर रही सीमा त्रिखा को शिक्षा, महिपाल ढांडा को पंचायत, असीम गोयल को परिवहन, अभय सिंह यादव को सिंचाई, सुभाष सुधा को शहरी स्थानीय निकाय, विशंभर सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जबकि संजय सिंह को खेल विभाग दिया गया है। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।